सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3, जो कि है क्लास 6 की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 13th of July 2021। सो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी वर्कशीट, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल वेलकम यू इन आवर स्कूल। We had done all the arrangement to welcome you in your new school, but due to COVID-19, it is not possible. Yet we promise you we will try our best to give you the feel of school by sharing different types of activities. So let's have fun and enjoy the activity. तो प्यारे बच्चों, हम सब आपका आपके नए स्कूल में स्वागत करते हैं। तो पिछले मतलब जैसा हमेशा होता है वैसा इस बार कोविड की वजह से पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो आपको वादा कर रहे हैं कि ऐसे बख्शीश में आपको फील ज़रूर दे पाएंगे एक्टिविटी शेयर करके। चाहिए करते हैं बख्शीट स्टार्ट। बहुत इजी वर्कशीट है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स विच यू हैव सीन इन योर प्रीवियस स्कूल एंड यू विल ऑल्सो सी इन योर न्यू स्कूल। तो फर्स्ट तो आपको एग्जांपल दे ही रखा है। सेकंड लिखेंगे बेंच। फर्स्ट एग्जांपल है टीचर। थर्ड ब्लैक बोर्ड लिख देंगे, ब्लैक बोर्ड। फोर्थ डस्टर लिख देंगे और नेक्स्ट लिख सकते हैं ऐसी कई चीज़ें, चॉक लिख देंगे। फिफ्थ चॉक और भी ऐसी कई चीज़ें जिन्हें हम डेली देखते हैं स्कूल में, पेन। और क्या देखते हैं, स्टाफ नहीं, स्टाफ रूम तो नहीं, स्टाफ रूम तो ऐसे ही हो सकता है। रूम के बारे में चीज़ों के बारे में बताने हैं तो ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं। फ़ोन भी देखते हैं आप अपने टीचर के पास, फ़ोन देखते हैं आप अपने टीचर के पास। और नेक्स्ट देखते हैं गाइस। सो ये तो आप फ़ोन लिख दिया, तो आप बैग भी देखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी देखते हैं अपने टीचर के पास, ज्योमेट्री बॉक्स। लास्ट एंड वन थिंग बची है पावर बैंक, नहीं पावर बैंक तो, और टैब भी देखते होंगे आप अपने टीचर के पास, क्योंकि उनका मतलब क्या अरेंजमेंट वगैरह उस पर भी किसी किसी के टीचर के पास टैब भी होते हैं। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्र 3, कक्षा 6, विषय हिंदी, तिथि 13 जुलाई 2021। चित्र पहेली, चित्रों के सहयोग से चित्र पहले पूरी करें। तो देखिए फर्स्ट कौन सा चित्र है, हम फूल को और क्या बोल सकते हैं, सुमन पुष्प है ना। तो फर्स्ट चित्र एक मिनट यहाँ पे देखिए, सुमन फर्स्ट चित्र। दूसरा चित्र न या न, दिन। तीसरा सूरज का है तो दिनकर भी बोल सकते हैं। चौथा एक मिनट, चौथा अंबर, हाँ एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे था अंबर, दिनकर अंबर, हाँ पांचवा, पाँच का एक है
कठपुतली, कठ पू त ली। छठा छठा चित्र ये रहा, पेड़ लग रहा है। हाँ तो छठे का हो जाएगा त रू वर। एक मिनट कट कुछ गई थोड़ा सा, अब यहाँ यहाँ पे ठीक था। त रू वर। सातवें का तो नीरज हो ही गया, आठवें का जलज। हाँ आठ ही है ना। तो चित्र पहेली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र पहेली में दिए गए किन्हीं पांच शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे सुमन, पुष्प, फूल। तो ऐसे ही कहीं लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये आँख, मतलब नयन का लिख सकते हैं आँख, लोचन इसका फर्स्ट हो गया। दिनकर का लिख सकते हैं भास्कर, रवि इसका भी दो। तरवर का लिख सकते हैं वृक्ष, गाच तीन हो गए और दो और। जलज आकाश का लिख सकते हैं अंबर, व्योम एक लास्ट का बना है बस। कमल का लिख सकते हैं पंकज, जलज। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए फर्स्ट। थैंक यू एंड बाय।